भारत ऐसा देश है जहाँ के युवाओं में टैलेंट कूट कूट के भरा है और ये टैलेंट समय समय पर दुनिया के सामने भी आता रहा है, लेकिन सबसे अधिक जरूरत इन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मुद्रा भंडार और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रॉनिक कार को बढ़ावा देने में जुटे हैं। उनके इसी मिशन से प्रेरित होकर 12वीं पास 19 वर्षीय कौशल ने ऐसी स्पोर्ट्स कार बना दी जिसे बिजली से चलाया जा सकता है। कौशल का दावा तो यह भी है कि ये कार दुनिया की सबसे सस्ती कार है। जहां इस तरह की कारों की कीमत 1 करोड़ के आसपास होती है, वहीं इस कार को बनाने में महज 10 से 12 लाख रुपए की ही लागत आई है। जो कार कौशल ने बनाई है उसकी खासियत अच्छी अच्छी कार कंपनियों को परेशान कर सकती है। आइए हम आपको इस कार की कुछ खासियत के बारे में बताते हैं। कार का इंजन ही इलेक्ट्रॉनिक है। ये कार 120 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। कार में इंजन पीछे की तरफ है जिससे कार की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी। कार की छत को पूरी तरह से खोला जा सकता है। कार के निर्माण में पूरी तरह से स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। कार में पेट्रोल और डीजल इंजन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये कार 5 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भर सकती है। खैर ये सब कर पाना कौशल के लिए आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लोगों से मदद मांगनी पड़ी, कई जगहों से निराशा भी हासिल हुई। लेकिन कौशल प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से काफी प्रभावित हुए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के उपयोग पर जोर देने की बात कही थी। इसके बाद से कौशल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने का जुनून सवार था। ऐसे में उन्हें हरियाणा के बहादुरगढ़ की एक कंपनी ने उन्हें आर्थिक सहयोग का भरोसा दिया। फिर कौशल ने पुरस्कारों में मिले पैसे और कंपनी के सहयोग से दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कार बना दी। दरअसल कौशल के अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कीड़ा बचपन से ही था, लेकिन किसान परिवार में जन्मे कौशल आर्थिक मजबूरी की वजह से कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 10वीं में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक छोटा बुलडोजर बना दिया था जिसके लिए उन्हें दिल्ली विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद कई अन्य पुरस्कार भी मिले। यूपी के एटा में रहने वाले किसान संतोष कुमार के पुत्र कौशल में प्रतिभा की कमी नहीं है। उनकी प्रतिभा को देखकर अमिटी विश्वविद्यालय नोएडा ने उन्हें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक में दाखिला दे दिया है। अब कौशल रोहिणी सेक्टर 25 में एमिटी वीवी के हॉस्टल में शिफ्ट होने वाले हैं। हालांकि कौशल को एक कंपनी से मदद मिली और उनकी प्रतिभा को पूरी दुनिया देख रही है। कौशल आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। उनकी प्रतिभा में कमी नहीं है, लेकिन उन्हें अभी और पढ़ाई की जरूरत है और अमेटी जैसी संस्था ने उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका दिया है। लेकिन ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ मदद न मिलने से उनकी प्रतिभा दब जाती है और मर जाती है।